हेलो फ्रेंड्स, सो वी आर बैक अगेन विद अनदर इंस्टॉलमेंट ऑफ फार क्राई 5 गेम प्ले। इन इंस्टॉलमेंट में हम जॉन के रीजन में हैं, हॉलैंड वैली में हैं, और अभी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कौन सा मिशन करें। तो हमारे पास काफ़ी सारे कल्ट आउटपोस्ट भी हैं जिन्हें हम फ्री करा सकते हैं, और मेन मिशंस भी हैं और साइड मिशंस भी हैं करने के लिए। काफ़ी सारे मिशंस हैं हमारे पास, तो आई थिंक हम प्लान करते हैं क्या करेंगे हम। हमारे पास में ही कल्ट आउटपोस्ट है जहां हम जाएंगे। हाँ, ये कल्ट आउटपोस्ट ही हमने मार्क किया है अभी, और अब हम वहीं जा रहे हैं। यूएस ऑटो जो हमारा कल्ट आउटपोस्ट है। टैग कर लेते हैं हम अपने अपोनेंट्स को। इससे ही हमारा एक स्टोरी मिशन भी जुड़ा हुआ है इस कल्ट आउटपोस्ट से रिलेटेड। टैग तो कर लिया है हमने, एक सेफ लोकेशन पे जाके वन डाउन। स्नाइपर को हम उड़ा सकते हैं या नहीं देखते हैं। पहले जो अकेले अकेले आदमी खड़े हुए हैं उनको उड़ाने में ज़्यादा फ़ायदा है, अलग अलग आदमी। और ये स्नाइपर भी गया, अब थोड़ा आसान हो गया है। स्नाइपर राइफल से काफ़ी आसान हो गया है, प्लस हमने साइलेंसर ले रखा है तो और भी ज़्यादा आसान है। काफ़ी तो मर ही गए हैं यहीं पर, अब कौन रहता है। अंदर दिख रहा है कोई, मैक्सिमम तो मर ही गए हैं सारे। अभी भी लिबरेट नहीं हुआ कल्ट आउटपोस्ट, यानी कि कोई और बंदा भी है। कहाँ है? सराउंडिंग एरिया का मैप मिल गया है हमें। चलो चलो, अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है,
बाहर जाके देखना पड़ेगा, कहीं तो कोई मिलेगा। कहाँ है? ये रहा। नो अलार्म्स पे लिबरेट हो गया है यूएस ऑटो। You will all atone for what the deputy has done. You will all welcome the word of the Father into your hearts. You will all say yes. Hey, इस बंदे के पास मिशन है, देखिए क्या कहते हैं। Back from the cult. A squad tried to defend the garage, but they were too much for us. We got caught and they locked us up. They were gonna decide if we go to John, Jacob, or Faith. If you could sweep the area and free the rest of my squad, I'd be obliged. I just need a bit of time to catch my breath. जो बाकी स्क्वाड है। I hear this is where Curtis sound. ये एक साइड मिशन है जो इसी कल्ट आउटपोस्ट पे है। इन्होंने बंदों को कैद करके क्रेट्स में डाल दिया है। Deputy, they must have taken off with the death wish. That's bad news. It's got an M60 loaded onto it. We gotta get it back before the cult goes around making Swiss cheese out of everything. Thing guzzles gas the way I do beer. If we're lucky, the Peggies are filling it back up. Check the Golden Valley gas station. It's the closest one. यही वो मिशन है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। इस मिशन में हमको डेथ विश, मिशन का नाम ही डेथ विश है, एक आर्मर्ड व्हीकल जो है हमें उसे लिबरेट कराना है, जिसे पेगीज ने अपने पास रखा हुआ है। आर्मर्ड व्हीकल है इसलिए वो काफ़ी डेंजरस है, इसलिए ये कह रहा है हमें कि हम जो है उसको फटाफट जाके लिबरेट कराएं। वो गैस स्टेशन पे है। पहले हम देख लेंगे कुछ लूट का सामान है या नहीं है। ये तो बाथरूम है। ये लेडी लॉक थी, हमने इसको बाहर कर दिया है। अच्छा, ये अनक्रेट है जिसमें ये डिसाइड करते कि ये जो लॉक्ड बंदे हैं इनको कहाँ भेजेंगे। अब हम इन लोगों को अनलॉक कर रहे हैं। You need to put every cultist you see in the ground. दो prisoners तो हमने छुड़ा दिए हैं, अब तीसरा prisoner देखना पड़ेगा कहाँ पर है वो। ये मिल गया हमको container. अरे ये तो ऊपर तो भालू निकले हैं। ये भालू भी ले जा रहे थे, भालू और भालू के बच्चे। भालुओं को तो हमने छोड़ दिया। भालू आ गए हैं यहाँ पर, भेड़िया आ गए हैं। देखिए, भालू और भेड़िया दोनों आ गए हैं।
The Whitetails need more supplies. Help! And I... आई थिंक हमें चल करके ही अपना मिशन, ये क्या बंदी पे एक, अच्छा ये एक ट्रेजर चेस्ट है जो इस बंदी के ऊपर है। अभी ये कॉन्फ्लिक्ट में है इसीलिए हमें नहीं बता पा रही, हमारे पास आइकन नहीं आ रहा है इसके ऊपर। थैंक्स पार्ट। और ये पेगी आ गया है यहाँ पर। और कौन है? बेयर आ गया है। ये भालू यहीं घूमते रहते हैं। हमारी मेन बंदी ही डाउन हो गई थी, अब ये दोबारा तो नहीं भागेगी कहीं। हमें एक बारी तो हमारे ट्रेजर चेस्ट का पता बता दो। अरे पेगीज ही पेगीज आ रहे हैं। फाइनली The White Tails need more supplies. अब हम ये हमको बता पाएगी। The salvage site has some stuff we could use. We head over there and get it before the Peggies do. हमारे नए प्रेपर स्टैश का जो पता है इसने हमको बता दिया है। और अब हम जा रहे हैं अपना मिशन करने, जो कि डेथ विश है, जो कि इस कल्ट आउटपोस्ट को लिबरेट कराने के बाद एक्सेसिबल हो गया है हमें। चलो अपना मिशन कंप्लीट करते हैं, जिसमें हमें एक आर्मर्ड व्हीकल उसको लिबरेट कराना है। एक और प्रेपर स्टैश वाला बंदा मिल गया हमको, तो हम इससे भी बात करके उसका एड्रेस ले लेते हैं। You know, they gotta be hiding something good in there. I think it's worth the risk. John's going ape shit, and you made it happen. The Angel's Grave. नए प्रेपर स्टैश का नाम हमें मिल गया है और एरिया भी मिल गया है हमें। चलते हैं बैक टू हमारे नए मिशन पे। हम लोग पहुंच गए हैं गैस स्टेशन के नजदीक। तो नाउ ये खड़ा हमारा व्हीकल जिसका नाम है डेथविश, हमारे मिशन का नाम है डेथविश। खोपड़ी उड़ गई उसकी, किसी को पता चल गया है उन्हें। अरे ये ट्रक लेकर के आ गए हैं, अब हमें उसके पीछे जाना पड़ेगा कैसे भी करके। अरे ये बंदा तो यहीं आ गया, हमारे पास ही आ गया है। Come on,
अब हमें उस ट्रक को कैप्चर करना है। इन्हीं की गाड़ी ले ली हमने, पैगीज की ही गाड़ी ले ली है, और अब हम जा रहे हैं उस ट्रक के पीछे जो कि ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। ये देखिए हमने उसको मार्क कर लिया है। हम शॉर्टकट रूट लेकर के जा रहे हैं। हमने शॉर्टकट ले लिया है वरना वो काफ़ी दूर निकल गया था, अभी भी काफ़ी दूर है। वो जा रहा है, देखिए पकड़ ही लिया हमने। ओ ये क्या था, ये जा रहा है, ये देखिए हम इसे रोके कैसे, ये थोड़ी मुश्किल बात हो गई है। हम इसको जो बंदा है इसको रोके कैसे हम, पास ही नहीं पहुंच पा रहे हैं उसके, क्योंकि अरे ये तो हम ही अड़ गए। हमने सोचा था कि इसे इस पेड़ में अड़ा देंगे, हम ही अड़ गए हैं। गोलियाँ कौन चला रहा है, पता नहीं कौन है जो गोलियाँ चला रहा है बार 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 बार। ग्रेनेड वगैरह फेंक रहा था कि कुछ हो जाए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अब फाइनली हमें अपनी गन निकालनी पड़ रही है, गन से ही हमको अटैक करना पड़ेगा। अरे रुक गया वो रुक गया है अपने आप ही, बाहर आ गया है ये। इसे पता नहीं हम एक बैडस गन लेकर के घूम रहे हैं। ये बेचारा शॉटगन से ही काम चला रहा था। अब हमारा पार्टनर हमें बोल रहा है कि वापस आ जा, फिर हम जो है चलते हैं इनके पीछे जहाँ इनका अड्डा है, वहाँ जाकर के हम इनको दिखाएंगे असली मज़ा। तो बैक टू द गैराज हम लोग जा रहे हैं। बीच में हमें मिल रहे हैं पैगीज और पैगीज के वहीकल। और हम लोग पहुँच गए हैं जो हमारा गैराज था जहाँ से हम निकले थे, वहीं आ गए हैं यूएस ऑटो पे। ये है हमारा बंदा, अरे ये चढ़ गया, इसने माउंटेड गन पे चढ़ चुका है। तो हम लोग चलते हैं अपने नए मिशन पे जो कि है मार्ले को कंस्ट्रक्शन यार्ड तक लेकर के जाना है, जहाँ पे वो बाकी पैगीज मिलेंगे। जो कि काफ़ी दूर है। Leave that shit. Only choice I had was to prep for what was coming, so I decked up my place, stocked up 10 years worth of food, put together air and water filtrations. I was at it for months, ready to stick it out. Should have seen the looks people were giving me, like I was some kind of lunatic. Look at who was right. Merle fucking Briggs! Of course, Colt came and pulled the rug out from under me. I lost everything. But here I am, riding with you in the Death Wish, holding a... riding with you in the Death Wish, holding a big fucking gun ready for Peggy Payback.
ready, kid. इस कैरेक्टर का नाम मर्ले है। ये कह रहा है इसने 10 साल तक का फूड और बाकी सप्लाईज अपने पास रखे हुए थे ताकि अगर कुछ भी गलत होता है तो ये उन सप्लाईज को यूज़ कर सकेगा। अब हमारा हम आ गए हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे। अब हमें जो कल्ट सप्लाईज हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करना है। बेसिकली जो ये ब्लिस कंटेनर्स हैं हमें इन्हें डिस्ट्रॉय करना है। ये आवाज़ देखिए क्या आवाज़ आ रही है। आवाज़ हमारी गूंज रही है, इतना नशा है इसमें। सारे ब्लिस टैंक्स हमें उड़ाने हैं। सारे ब्लिस टैंक्स को हमने ख़त्म कर दिए हैं, ना कोई रह गया है। अरे हमारी गाड़ी में से धुआं निकलने लग गया है, हमें कोई फैगी भी नहीं दिख रहा। ये था ये मारना मारा नहीं, लेकिन हमारी गाड़ी में से धुआं निकलने लग गया है। अगर हम जल्दी नहीं उतरे तो लगता है हम गाड़ी में ही ब्लास्ट हो जाएंगे। बड़े ही डेडली फैगी हैं यहाँ पर। अरे ग्रेनेड फेंक रहा था ये, इसका ग्रेनेड इस पे ही गिर गया। अरे अभी तो कोई भी नहीं था, अभी इतने सारे लोग आ गए, अभी तो कोई भी नहीं था। अरे अरे अंदर चलो अंदर चलो। अरे एकदम से ही इतने सारे लोग आ गए हैं, ये क्या हुआ? अरे मैं कैसे मर गया पता ही नहीं चला। यहाँ तो लगता है किसी ने पीछे से कुछ बम वगैरह या मोलोटोव फेंक दिया है। उसी से हो सकता है, वरना तो ये मिशन पहले ही ख़त्म हो गया होता। अब देखें ये कहाँ से देते हैं, हमें कहाँ से करना पड़ेगा ये दोबारा से। हमको शुरू से करना पड़ेगा। तो हमको सारे ब्लिस टैंकर्स जो हैं उनको उड़ाना है। साथ में सारे आदमियों को भी उड़ाते जा रहे हैं। एक और दो और ब्लिस टैंक्स रह गए हैं। एक और रह गया है। अब और ये उड़ा दिया है। अब हमें एलिमिनेट करने हैं जितने भी एनिमीज रह गए हैं। कोई दिखाई नहीं दे रहा है इस बारी, खाली आवाज़ें आ रही हैं। अरे ये रहे ये रहे, ये हमारा बंदा मरले सबको मार रहा है। इस बार ये अच्छा काम कर रहा है। फाइनली हमारा ये मिशन कंप्लीट होने को है। हमने सब एनिमीज को डिफीट कर दिया है। हमारा मिशन ख़त्म हो गया है, डेथ विश कंप्लीटेड। काफ़ी अच्छा मिशन था ये, काफ़ी मज़ा आया इसे करने में।
काफ़ी सही मिशन है और हमारा ये व्हीकल भी अनलॉक हो गया है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज़ राइट बिलो, सो आई विल बी एबल टू आंसर देम। एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।